इस विषय पर इतनी तीखी तीखी बातें हो रही हैं और सोशल मीडिया में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बातें हैं और ऐसे विद्वानों के बीच में बहुत इस पर बात है। असल में क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्यों हो जाता है लोगों को कि वेद वगैरह में भी और उपनिषदों में भी कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ है एकमेव एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थो इमान लोकान ईशत ईशन भी, वेद में लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा हुआ है। इससे भी कुछ लोगों को भ्रम होता है कि यहाँ पर एक ही रुद्र है, इससे जो है ये कन्फ्यूजन होता है कि ये ईश्वर जो है वो एक है, लेकिन वहाँ पर अधिकतर जो है एकम एव अद्वितम, इसको ख़त्म करने के लिए वेद फिर कहता है एकम एव अद्वितम, इसका अर्थ है कि वह एकमेव है, एक नहीं है, इसलिए यहाँ पर एकमेव शब्द का प्रयोग किया गया है। एकमेव का अर्थ होता है केवल, एक और केवल में अंतर है, एक जो है एक संख्या है और एकमेव जो है वो एक संख्या नहीं है, वह केवल है, ओनली, इसका मतलब है कि उससे अलावा भिन्न और कुछ नहीं है। जबकि अगर आप एक कहेंगे तो इसका मतलब हो गया कि उसके अलावा भी और चीज़ें हैं, जैसे कि प्रकृति है, आदमी है और दूसरे जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, पत्थर है, नदी है, ये सब ग्रह है, नक्षत्र तारे हैं, हाँ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन, ये सब हैं, तो कहेंगे कि ये अलग हैं, ऐसे होता है। लेकिन जब हम एकमेव कहते हैं तो लगता है कि ईश्वर के सिवा और कुछ भी नहीं है, तो एकमेव जो है ये क्लियर कट कह देता है कि ईश्वर जो है सिर्फ और सिर्फ अनंत है, क्योंकि अनंत ही है, जिसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर अनंत है तो उसके अलावा कुछ भी संभव नहीं है, तो इस तरह से ईश्वर अनंत होने की बात की गई है। और उपनिषदों में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है, कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि ईश्वर अनंत है, यही ज्ञान सत्य है, इसके अलावा और कोई ज्ञान सत्य नहीं। हाँ, स्पष्ट कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म अनंत है, यही ज्ञान सत्य है, इसका अर्थ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ये सबसे बड़ा मंत्र है। तो और जो ये अनंत की जो फिलॉसफी है, यहाँ तो फिजिक्स के जो प्रोफेसर हैं वे चकरा जाते हैं, आइंस्टीन सब चकरा गए थे, क्योंकि यहाँ सारा कैलकुलेशन फेल हो जाता है फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का, सारा यहाँ सिद्धांत फेल हो जाता है अनंत में जाकर। अनंत के पहले तक तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अनंत में कैलकुलेशन संभव नहीं है, तो जहाँ कैलकुलेशन संभव नहीं है वहाँ सारे आपके लॉ जो हैं फिजिक्स के हों, चाहे बायोलॉजी के हों, चाहे मैथमेटिक्स के हों, वो फेल हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह कैलकुलेशन के दायरे के बाहर हो जाएगा, कैलकुलेशन सिर्फ बुद्धि ही करती है ना, कैलकुलेशन तभी संभव है जब वहाँ पर डिवीजन पॉसिबल हो, और जब हम अखंड में चले जाएंगे, इसीलिए उपनिषद में पूर्ण की भी बात की गई है, ओम पूर्णम इदः पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उच्चयते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते, कह रहे कि वह पूर्ण है, तो पूर्ण सदैव अनंत ही होगा, और जब पूर्ण होगा तो फिर उसे खंड होने का कोई मतलब ही नहीं रहता है, उसको आप विभाजित इस तरह से नहीं कर सकते कि उसे सेपरेट कर दें, क्योंकि जहाँ जो विभाजित होने वाला है वह भी वही है, और जहाँ आप उसको रखेंगे वह भी वही है, और जो सेपरेशन होगा वह भी वही है। इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म के धर्म कीर्ति थे, उनका बहुत ज़बरदस्त शास्त्रार्थ हुआ है, और जो सनातन मतावलंबी थे उनका उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ था इस विषय पर। और शास्त्रार्थ में इन लोगों ने जो शुरुआत में जो प्रस्तुति किया था उसमें उन्होंने धर्म कीर्ति ने बहुत खंडन किया, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर जो है वह सर्वव्यापी है, तो धर्म कीर्ति ने कहा कि सर्वव्यापी किसको कहेंगे आप, तो कहा कि सर्वव्यापी वह है जो सभी चीज़ों में व्याप्त है, सभी चीज़ों में उपलब्ध है, तो कहा कि ठीक है चलिए यह मान लेते हैं कि वह सब चीज़ों में है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह हमारे शरीर में भी है, हाँ तो वह इसमें दरवाजे में है, वो पत्थर में है, वो सब्जी में है, हाँ है, इसका अर्थ यह हुआ कि जिसमें वह है वह कुछ दूसरा है, इसे तो यही प्रतीत होता है, जिसे अगर मुझ में है इसका मतलब है कि मैं अलग हूँ,
मेरे में तो वह है लेकिन मैं वह नहीं हूँ, इसका मतलब है कि आपका ईश्वर वहाँ खत्म हो जाता है जहाँ से मैं शुरू होता हूँ। इसका अर्थ हो गया कि दरवाज़ा जहाँ से शुरू होता है वहाँ आपका ईश्वर खत्म हो जाता है, जहाँ से आप कहेंगे कि आप यहाँ से ये दरवाज़ा है। यदि मैं कहूँ कि मैं इस कमरे में हूँ तो इसका अर्थ यह हो गया कि कमरा में तो मैं हूँ लेकिन यह कमरा कुछ अलग है मुझसे, मैं कमरा नहीं हूँ, कमरे में हूँ। तो इससे आपकी ईश्वर की सर्वव्यापकता कहाँ होगी? इससे तो ईश्वर जो है चीज़ में तो है लेकिन वो चीज़ कुछ डिफरेंट हो गई। तो जो शास्त्रार्थ करने वाले थे उन्होंने कहा कि ऐसा, उनके वही थे, उनके चाचा ही थे, वो सनातन धर्म के थे और वो जो धर्म कीर्ति थे वो भतीजा थे। और तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो ईश्वर जो है वो कणकण में व्याप्त है। तो धर्म कीर्ति ने कहा बात वही रही, फिर कण में तो ईश्वर नहीं है ना, कण के भीतर ना हुआ, कण तो ईश्वर नहीं ना हुआ, बात तो वही रही, बात कोई फर्क नहीं पड़ी, चीज़ वही रही, आपने छोटा कर दिया, कण कर दिया। आप रोम रोम कहेंगे तो वो रोम के भीतर तो है लेकिन रोम कुछ अलग है, तो ईश्वर की सर्वव्यापकता आपकी फिर भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है कि वह कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें कि नहीं है। तो फिर बात फिर वही है, आपने वहाँ पर वस्तु को हटा करके स्पेस को ला दिया, स्थान को ला दिया, इसका अर्थ तो यह हो गया कि वह स्थान में तो है लेकिन स्थान वह नहीं है, सर्वव्यापकता फिर भी नहीं। तो उस वक्त वे हार मान गए और उन्होंने फिर बौद्ध धर्म स्वीकार कर दिया। लेकिन उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ गलती है, कुछ ना कुछ मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, उन्होंने फिर से पूरा अध्ययन किया, वेद का, उपनिषद का, बढ़िया से गीता का खूब अच्छा से अध्ययन किया, फिर बौद्ध शास्त्रों का भी अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने फिर से कहा कि उसका देखिए मैं अभी नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, उस आदमी काफ़ी बड़े विद्वान रहे हैं। तो उन्होंने फिर से शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी, बौद्ध धर्म में रह करके। हाँ, बौद्ध धर्म में रह करके, क्योंकि वहाँ जहाँ पर वे थे तो वहाँ पर पढ़ा रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, कहे वेद वेद सब बकवास है, फेंक दो उसको उठा करके। तो उनके गुरु जो थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, वेद बकवास नहीं है, पूरे इतने परंपराओं ऋषियों की परंपरा है और उसमें उसकी कुछ बात है जो कि समझे नहीं है लोग, हम लोग नहीं समझ रहे हैं, इसके कारण ही लग रहा है, मैं समझता हूँ कि उसमें सही बात है। पूरा इन्होंने अध्ययन कर लिया था, क्या कि तुम भी बकवास हो, इसको भी उठा के फेंक दो बाहर। तो उसको भी बाहर उठा के फेंक दिए सर, ऊपर से फेंक दिए, एक मंजिला से चोट उट भी आ गई। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं चुनौती देता हूँ आप ही को, क्योंकि वेद की रक्षा जो है मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप हमारे गुरु हैं लेकिन फिर भी मैं वेद की रक्षा करना ज़्यादा हितकर समझता हूँ। तो उनका शास्त्रार्थ फिर उनसे हुआ, अपने गुरु से ही, और गुरु से शास्त्रार्थ होता है। तो वहाँ पर जैसे धर्मकीर्ति ने जो जो बातें बताई थी वही सारी बातें बताई, लेकिन आप ये समझ गए थे इस चीज़ को, मैं कहाँ गलती कर रहा था। तो जब बात वहीं तक पहुंचती है जगह तक, तो फिर कहते हैं कि बात तो वही होगी, तुम्हारा ईश्वर सर्वव्यापक कहाँ से हुआ जगह, ताकि नहीं हमारा ईश्वर जगह भी है, जो जगह है वह भी मेरा ईश्वर है, वह भी ईश्वर तत्व ही है, ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा असुदुर्लभा, एक वासुदेव ही है, वासुदेव के सिवा कुछ नहीं है। और तब उन्होंने कहा एकम एव अद्वितीयम, है कि वह जो ईश्वर है सिर्फ और सिर्फ वह है, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इस अस्तित्व में कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसको कि ईश्वर नहीं कह सकते हैं, सब ईश्वर के ही तत्व हैं, ईश्वर की ही अभिव्यक्तियाँ हैं, और ईश्वर अनंत है,
अनंत से बाहर की आपकी कोई सोच हो ही नहीं सकती, उससे ज़्यादा आप नहीं सोच सकते, अतिक्रमण नहीं कर सकते इसका। इस तरह से वेद जो है सही सिद्ध होता है, वेद का अतिक्रमण आप नहीं कर सकते। तो फिर जो है उन्होंने वो कर लिया, हार मान ली। तो वो कहे कि ठीक है, तो मैं हार गया। तो उसमें नियम यह था कि जो हारने वाला है उसको शिष्य बनना पड़ता था अपने शिष्यों सहित। तो बाकी आपको या तो शिष्य बनना पड़ेगा या जो है जल के मरना पड़ेगा, उसमें ऐसा नियम होता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जलना पसंद करूंगा, अपने शिष्य का मैं शिष्य होना पसंद नहीं करूंगा। हाँ हाँ, जो बहुत भी छूते हैं। तो वो कहे कि मैं अपने शिष्य का शिष्य होना पसंद नहीं करूंगा, मैं जल के मरना पसंद करूंगा, और इतना याद रखना कि मैं हारा हूँ, बुद्ध नहीं हारे हैं। हाँ, एक भिक्षु हारा है। हाँ, क्योंकि मेरा ज्ञान उस स्तर का नहीं है, बुद्ध के स्तर का। तो फिर वो जो है जल करके वो मर जाते हैं। अब वो जल के मर जाते हैं, तो उसके बाद जो है अब उनका नाम इतने महत्वपूर्ण है, संयोग से मेरा उनका नाम स्लिप कर रहा है दिमाग से। तो उनको मतलब काफ़ी प्रसिद्धि मिल जाती है और वो भारत में काफ़ी स्थापित हो जाते हैं। परंतु एक चीज़ में अभी एक कन्फ्यूजन रहता है कि सब चीज़ तो हैं ईश्वर, ये तो वो समझ गए थे इस चीज़ को, लेकिन इसके बीच में समन्वय क्या है इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। वहाँ पर कन्फ्यूजन था उनको कि वही ईश्वर जो है पत्ते के रूप में कैसे हो जाता है, और वही ईश्वर जो है मनुष्य के रूप में कैसे हो जाता है, वही ईश्वर पत्थर के रूप में कैसे हो जाता है, यह कैसे हो जाता है, यह उनको समझ नहीं। तो वे कर्मकांड के बहुत बड़े विद्वान थे, और तो उनके जो गुरु थे वे तो जल के मर गए कि भाई हमको शिष्य जो है अपने शिष्य का शिष्य नहीं बनना है, तो वे जल के मर गए, और ये भी जल के मर गए। ये कहे कि मैंने अपने, क्योंकि हम लोग की परंपरा में है कि गुरु को चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैंने वेद की रक्षा के लिए अपने गुरु से शास्त्रार्थ किया था, इसलिए हमारा भी यह दोष है, इसलिए मैं भी जल के मरूंगा, इसलिए वो भी जल के मर गए। लेकिन जिस वक्त वो चिता पर चढ़े थे जलने के लिए, उस समय ही आदि शंकराचार्य जो है उनके पास आए थे। हाँ, आदि शंकराचार्य उनके पास आए थे, और वे इसलिए आए थे कि उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे, उन्हीं से जो जल के मर रहे थे। अब संजोग से मैं नाम इस पर बोल रहा हूँ। हाँ, वो देश जो हुए थे, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा कर रहे थे, वेद की रक्षा कर रहे थे, उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए। कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ, और आप जल के नहीं मर सकते। अच्छा। हाँ, आपको मुझसे शास्त्रार्थ करना होगा। तो वो तो जल रहे थे गुरु के लिए। हाँ, ये गुरु के लिए जल रहे थे कि मैंने गुरु को चुनौती दी थी, अगर मुझे सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो हमें इस बात की भी रक्षा करनी है, क्योंकि सनातन धर्म में यह भी कहा गया है कि जो गुरु को चुनौती देगा उसको मरना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने गुरु को चुनौती दी थी वेद की रक्षा के लिए, तो वेद की रक्षा तो मैंने कर ली, लेकिन हमें सनातन धर्म की इस बात की भी रक्षा करनी है, इसलिए मुझे मरना है। तो शंकराचार्य कहे आप अभी नहीं मर सकते हैं, आपको जब मुझसे शास्त्रार्थ करना होगा। मैं शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ, और शास्त्रार्थ करने के बाद भले आप मर जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी वह कहे कि आपने वेद की रक्षा के लिए वो अपने गुरु को किया, और वेद सबसे बड़ा गुरु है, इसीलिए आप छोटे गुरु को वो किए हैं बड़े गुरु की रक्षा के लिए, तो इसलिए आप सनातन धर्म के इस बात के भी आप विरोध में नहीं हैं कि गुरु को आपने चुनौती दी है। वास्तव में वास्तविक गुरु तो वेद है, तो इसलिए आपके जैसे उच्च प्रतिभावान को जल के नहीं मरना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप उतर जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं शंकर, मैं चिता पर चढ़ चुका हूँ और आग प्रज्वलित हो चुकी है, और प्रतिभा मुझ में नहीं है, प्रतिभा तो वेद में ना है, मेरे से कितने लोग होंगे। हाँ तो कहे कि मेरा जहाँ तक दायित्व था वहाँ तक मैंने निभाया,
और तुम अगर चाहते हो शास्त्रार्थ अभ्यास करना तो देखो मेरा एक शिष्य है मंडन मिश्र, हाँ उसको जा करके तुम हरा दो तो तुम समझना कि तुमने मुझे ही हरा दिया। तो फिर वहाँ से और वो मंडन मिश्र यहाँ पर थे बिहार में दरभंगा जिले में, तो हाँ तो वहाँ दरभंगा जिला तो वहाँ हाँ तो वहाँ से वो आते हैं तो उससे फिर भाष करते हैं, वो तो चल जाते हैं, उनका नाम इस वक्त मुझे आया नहीं। तो फिर शंकराचार्य उसको हराते हैं, परंतु वह बात जो है जो समन्वय वाली बात है जिस पर चर्चा होनी थी वह चर्चा तो नहीं हो पाई, लेकिन खैर शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को उपदेश में ये सब सारी बातें बताई कि कैसे जो है परम ब्रह्म जो है कैसे कार्य ब्रह्म में प्रकट होते हैं, कार्य ब्रह्म कैसे होता है यानी ये सब जो स्थूल जगत है इसका निर्माण कैसे होता है उसी से, और कैसे भिन्न भिन्न तत्व बनते हैं उसका फिर उन्होंने विशद वर्णन किया है शंकराचार्य ने। जो बातें उनसे करनी थी वो बातें मंडन मिश्र से की गई, तो इस तरह से ये हुआ। और इस पर जो ये जो बात है ना ये मतलब सबसे महत्वपूर्ण चर्चा में से एक है, ये सबसे महत्वपूर्ण और आज तक भी यह बहस जारी है एडमिशन, हाँ कि कैसे कार्य ब्रह्म हुआ और ईश्वर जो है कैसे अनंत है। पहले तो था कि और चूंकि भगवान बुद्ध ने तो निराकार तत्व की बात तो की थी, लेकिन ये जो बौद्ध मतावलंबी हैं ये लोग जो सोचने लगे कि उन्होंने ईश्वर को ही नकार दिया है, आत्मा को ही नकार दिया, लेकिन ऐसा तो था नहीं, आत्मा को नकारे नहीं थे। तो वो बौद्धों ने भी कुछ कन्फ्यूजन पैदा किया और फिर ये ईसाई मिशनरियाँ और जो है इस्लाम जो है इन लोगों ने भी कन्फ्यूजन पैदा किया, और इसके बाद फिर कन्फ्यूजन दयानंद सरस्वती ने भी कुछ पैदा कर दिया। हाँ तो दयानंद सरस्वती जो है उन लोगों के हाथ में खेल गए, अंग्रेज़ों के हाथ में उनके वो गेम के शिकार हो गए, और इस बात को दयानंद ने एक शब्द को पकड़ा अनंत को नहीं पकड़ा, यहीं पर दयानंद की मिस्टेक है और कोई मिस्टेक नहीं है दयानंद की, बाकी दयानंद सब जगह सही थे, बस इस जगह ही वे मिस करते हैं और यहाँ पर मिस करने के कारण उनकी सारी जो परिभाषा है वो उलट पुलट हो जाती है, इसलिए वे भी मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे। दयानंद भी मूर्ति पूजा का विरोध इसीलिए करने लगे क्योंकि वह एक और अनंत ने जो है एक को चुने अनंत को नहीं चुन पाए, यहाँ वे कन्फ्यूज कर जाते हैं तो मारने अच्छा लगता है देते हैं। और यहाँ पर जो है इसीलिए मूर्ति पूजा जो है दयानंद विरोध करने लगे, और बाद में फिर जो है उस पर फिर आर्य समाज पर बहुत आक्रमण होने लगा इसी विषय को लेकर के, जब ईश्वर मूर्त नहीं हो सकता तो फिर ईश्वर सर्वशक्तिमान कैसे कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर साकार अगर नहीं हो सकता तो फिर जो है ईश्वर संपूर्ण नहीं हो सकता, पूर्ण उसको नहीं कहेंगे, सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे, तब तो वो खत्म हो जाएगा वहाँ से जहाँ मूर्त शुरू होगा। अब यहाँ पर जो ये जो क्वेश्चन उठा तो इसमें फिर जो है आर्य समाज पीछे जाने लगे, और यही प्रश्न जब उनके इस्लाम के ऊपर उठता है चाहे ईसाइत के ऊपर उठता है तो उनको भी पीछे खिसकना पड़ता है। यहाँ पर निराकार जो बोलते हैं उनको तो पीछे खिसकना ही, उनको खिसना पड़ा क्योंकि जब वो आकार नहीं हो सकता तो उसकी शक्ति से खत्म हो जाती है वहाँ इस्लाम का और आर्य समाज सीधा स्पष्ट करता है कि निराकार है। हाँ ईश्वर तो दयानंद को इस विषय पर ध्यान क्यों नहीं गया ये एक बहुत अचंभे वाली बात है, क्योंकि इतने ज़्यादा उसमें मंत्र हैं और उन्होंने इतना अध्ययन किया तो कैसे वो मिस कर गए ये अचंभा लग रहा है। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, ये एक बहुत है मुझे लगता है कि ध्यानानंद इससे भी कंफ्यूज किए गए हैं, ये जो है ना यजुर्वेद का यह मंत्र है और इसको मुस्लिम सब बहुत ज़्यादा कोट करते हैं, कहते हैं कि देखिए आपके वेद में भी लिखा हुआ है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उपनिषदों में भी लिखा हुआ है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। तो देखिए प्रतिमा की पूजा का वेद ने खुद ही जो है खंडन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है शंकराचार्य इसकी बहुत अच्छी वो करते हैं, शंकराचार्य ने इसको बहुत अच्छा से मामले को सुलझाया है। आदि शंकराचार्य ने कहा कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति का अर्थ यह है
आप लोग उसका अर्थ अधिकतर लोग गलत लेते हैं, उसका अर्थ यह है कि उसकी प्रतिमा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वही सब है तो प्रतिमा कहाँ से होगी? प्रतिमा तो तब न कहेंगे कि जब उसके अलावा कुछ होता। जब वही सब है तो प्रतिमा कैसे हो सकती है? इस अर्थ में वहाँ लिखा गया है कि ना तो प्रतिमा, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है क्योंकि वही सब है। बात समझ में आ रही है? तो जो जाकिर हुसैन जो है, जाकिर नायक जो है जो इस विषय को खूब ज़्यादा उछाला था, मुद्दे को, जो मुसलमान का वो करता था इस्लाम का, तो वो बराबर इसका उदाहरण देता था ना तस प्रतिमास्ती, चिल्लाते रहता था। वो बहुत लोग चिल्लाते हैं तो वे कहते हैं देखिए देखिए यहाँ पर कहा गया है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, ईश्वर की प्रतिमा नहीं होती है। हाँ, और ये लोग हिंदू लोग मूर्ख हैं जो जो है प्रतिमा को पूज रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, जबकि वेद खुद कह रहा है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। तो आदि शंकराचार्य ने इसका समाधान बड़ा अच्छा किया है कि ईश्वर अनंत हैं, और अनंत हैं इसलिए जो है उनके अलावा और कोई चीज़ है ही नहीं, तो उनकी प्रतिमा कहाँ से होगी? प्रतिमा का मतलब हो गया कि मैं अलग हूँ और मेरी प्रतिमा अलग है। तो प्रतिमा भी, जिसको आप प्रतिमा कहते हैं, वह भी वही है, वह तो इसलिए उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, वास्तव में वह वही है, वह ईश्वर ही है, प्रतिमा नहीं है उसकी। ईश्वर की कोई मार्ग नहीं है, सारे मार्ग ईश्वरीय हैं। वो वो जो मूर्ति है वह जो है ईश्वर की मूर्ति नहीं है, वह ईश्वर मूर्त रूप में है। आप उसको ईश्वर की मूर्ति कहते हैं ये गलत है, यहाँ पर की शब्द गलत है, ईश्वर मूर्त भी है, वहाँ जो है ईश्वर मूर्त रूप में है। तो अब उस मूर्त के भीतर अमूर्त जो है यह खोजना, ये आपका काम है, आपकी साधना। आप कितनी साधना करके मूर्त में अमूर्त देख सकते हैं। तो ये जाकिर नायक का, कुछ लोगों ने जो इस वेद के इस रहस्य को समझ रहे थे और उन्होंने इसका खंडन भी किया, तो अब लेकिन फिर भी ये जो है एजेंडा चल रहा है, चलता है ये बहुत लोग, हाँ बहुत लोग इसको एजेंडा चलाते हैं कि देखिए वेद में भी कहा गया है कि नहीं मूर्ति पूजा गलत है, वेद में ऐसा कहीं नहीं कहा गया। समझने का अपना अपना, हाँ, जिसको जो समझ में आया। शंकराचार्य ने उसका सही समाधान किया है। शंकराचार्य भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं ना, ऐसे ही अवतार थोड़े माने गए हैं। शंकराचार्य के एक और साथ में क्या नाम था उनका, कौन से नाम था, गोविंद पाल, उनके उनके गुरु गुरु थे जो कनिष्क के जाने के बाद शंकराचार्य बौद्ध धर्म को पीछे करके हिंदू धर्म को आगे करने में शंकराचार्य का योगदान। हाँ, शंकराचार्य उनके जो साथी थे उनका लगभग काम, जैसे मोदी के कैसे अमित शाह उसी तरीके से वो काम देखते थे, उनका अनुभव गया, देखना होगा उनका क्या नाम है। तो जब बौद्ध धर्म का जो शिक्षा था अहिंसा, जिसके वजह से सब त्याग देता था जो इस्लाम ब्रेक किया, मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी 712 AD में आया, तो उसमें भी पूरा उससे पहले कनिष्क वगैरह था। तो जब आक्रमण होने लगा चारों तरफ से, तो अहिंसा का बात फेल होने लगा, तब रक्षा करने के लिए जो है हिंदू धर्म में तो व्यवस्था नहीं है कि हम अहिंसा, अहिंसा का भी जो है ना, भगवान बुद्ध से पहले बहुत लोग अहिंसा कर रहे हैं, वेद में भी अहिंसा की बातें हैं। अहिंसा बौद्ध धर्म का सिद्धांत थोड़ी ना है, बौद्ध में ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि सनातन धर्म में नहीं कहा गया है। अब भगवान बुद्ध स्वयं भी जो है अपने को सनातन ही कहते थे, लेकिन उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया, तो उनकी बात सही थी उनके लिए, जो कि वास्तव में साधक लोग हैं उनके लिए सही थी। लेकिन जो भगवान कृष्ण ने कहा है वह बात सर्वकाल में सही है कि अहिंसा आप उनके लिए सही है जो सभ्य लोग हैं, लेकिन जो आक्रमणकारी हैं, अत्याचारी हैं, उनके लिए तो हिंसा ही अहिंसा है, उनको मारना ही जो है अहिंसा है। और उस गुण को जब छोड़ देगा तो जो है सभ्यता खत्म की ओर होने लगेगी, समाज की रक्षा नहीं हो सकती। जैन तो और भी बताइए, चींटी को भी नहीं मारो, जैन तो और भी ज़्यादा सख्ती से पालन करते हैं। तो साधक लोगों के लिए तो ठीक है, जो अच्छे सभ्य समाज के लिए तो बढ़िया है, परंतु जहाँ पर आप ऐसे समाज में भी रह रहे हैं जो कि असभ्य हैं, आक्रमणकारी हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? जो लुटेरे हैं, व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, वहाँ पर आपकी ये अहिंसा जो है कायरता में बदल जाएगी। धार्मिक में आप फॉलो करिए, हाँ, राजनीतिक में जरूरी नहीं है कि ये चीज़ फॉलो, कायरता उसी पर ना कन्वर्ट हुआ, सब राजा सब स्वीकार करने लगे कि नहीं भाई, तो बहुत हमको स्वीकार कर करके तो गड़बड़ा जाएंगे उनके सब राजा लोग बहुत धर्म को छोड़ा कनिष्क जाने के बाद, जब राजा लोग छोड़ा तो प्रजा लोग भी पकड़ा।
उसके बाद ये लोग जो है पुष्यमित्र सुंग जो थे ना, पुष्यमित्र सुंग, उन्होंने जो है वास्तव में तख्ता पलटा था बौद्ध धर्म का राजा के रूप में। वो ब्राह्मण थे, उन्होंने कत्ल किया था और उसके बाद जो है वो बनते जो अंतिम जो बौद्ध राजा थे ना उसका कत्ल किया था और वो सेनापति बने थे। पुष्यमित्र सुंग जो है बहुत वहाँ से जो है वो गेम पलट जाता है और क्योंकि राजा जब अहिंसा करने लगे तो खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो शंकराचार्य जिनका नाम को ध्यान में नहीं आ रहा है, जो अमित शाह की तरह हम करते थे, उन्होंने महसूस किए कि अभी भी कुछ कुछ बौद्ध के प्रति मैंने गौतम बुद्ध के प्रति, तो गौतम बुद्ध को जो है लोग मैंने क्या कहते हैं अवतार का मैंने ब्रह्मा का अवतार या विष्णु का अवतार, विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार घोषित कर दिया कर दिया। उससे प्रभावित और जो बौद्ध जो फॉलो करने वाला था राज्य के अंदर जो है अगर पूजा तो उनको कर ही रहे हैं, चलो भाई जब इनके इधर हिंदुइज्म में जा करके करें उनको तब जा करके प्रार्थना चालू हुआ धीरे धीरे। तो बौद्ध तो मैंने क्या कहते हैं बौद्ध धर्म तो पूरा छा गया था, हिंदुइज्म को खत्म कर दिया था लगभग, हिंदुइज्म खत्म था, सिर्फ उसके मुखिया लोग ही बचे हुए थे ना, जोगने वाला जो होता है कि जोग के रखते हैं आज जोगेंगे तो कल काम आएगा, तो कम्प्लीट था खत्म, कुछ नहीं किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं। अभी तो जो धर्म सब है जैसे मिशनरी वगैरह क्रिश्चियन वगैरह इन लोगों का दूसरा सोच है, दूसरा सोच मतलब अभी जो फॉलोअर सब जो भी उसका है वो स्मूथ खुशता है, अभी जो धर्म जो फॉलो करने वाला सब है वो स्मूथ उसको सुविधा है। जैसे अभी एक लड़की है रीता ठाकुर के यहाँ टेरेसा एम्ब्रम एक लड़की काम करती है, उसका बचपन का नाम कुछ था संथाली थी, तो हेड नर्स वही है उसका, नौकरी हो गया पोस्ट ऑफिसन वगैरह था तो आई थी मेरे यहाँ, तो उसको बोले कि टेरेसा कब से तुम लग गई क्वेश्चन, तो बोले सर बड़ी गरीबी थी लड़की, गरीबी से उबारा हम लोगों को जो है मिशनरी वाला लोग ना मेरे बाबू जी बीमार रहते थे फिर करके आया बड़ी खराब थी, उसके बाद फिर हम लोग फॉलो करने लगे, सुविधा मिल गई हम लोगों को बहुत तरह से जो हर मामले में सुविधा छोड़ दी, क्या करेंगे सब फॉलो करेंगे, जब कोई अगुआ बन करके कुछ करने वाला नहीं होता है, मर रहे कोई देखने वाला नहीं होता है, मैंने कहने का मतलब जितना संथाल सब है वही सब ज्यादा क्रिश्चियन हो मुझे सिर्फ मैंने मन के ना वो सब बहुत आगे बढ़ा है। अच्छा ये जो संथाली स्कूल में प्रिंसिपल है टीचर है सब सब क्या है सब संथाल है सब संथाल संथाल बना और उसको जो है क्या कहते हैं धार्मिक ज्ञान, थैंक यू धार्मिक ज्ञान धार्मिक ज्ञान। हाँ उनका जो है जो नाम कर रहे थे ना उनका नाम ख्याल आया है वो कुमारिल भट्ट थे, कुमारिल भट्ट था जिनके साथ शास्त्रार्थ हुआ था धर्म कीर्ति का, कुमारिल भट्ट फिर वो बने थे और बनने के बाद फिर वो जो है वो किए थे, बहुत बड़ा नाम है कुमारिल भट्ट, बहुत बड़ा नाम है फिलोसफी में। इन लोग का दार्शनिक आधार जो है ना इस्लाम और ईसाइयत का बहुत ही कमज़ोर है, बाइबल में इतनी गलतियां हैं इतनी त्रुटियां हैं कि आपको हर पेज में ना इतने छिद्र मिलेंगे कि उसकी आलोचना कहीं से उठा के कर सकते हैं, उटपटांग बातें लिखी गई है। ये तो ये लोग पैसा दे के घूस दे करके धर्मांतरण कराते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म तो जो है हायर फिलॉसफी के लिए ना होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बस पैसा पर है तो वो तुम खरीद रहे हो, जब पैसा नहीं दोगे तो वो हट जाता बात है, किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय उस कंपनी का प्रोडक्ट का। अच्छा ये अभी मुझे याद आया कि धर्म कीर्ति के साथ कुमारिल भट्ट ने शास्त्रार्थ किया था और शंकराचार्य कुमारिल भट्ट के पास गए थे, काफ़ी उच्च स्तर के विद्वान थे कुमारिल भट्ट, और उन्होंने फिर कर्मकांड के क्षेत्र में बहुत सारी रचनाएं भी की थी। तो उन्होंने ही शंकराचार्य को यह भी कहा कि गुरु चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गुरु तो गुरु है छोटा बड़ा क्या होगा, और उन्होंने कहा कि गुरु को मैंने चुनौती दी है सनातन धर्म में इसका निषेध है तो मैं मरूंगा ही, इसीलिए उन्होंने अपना आत्मदाह
कर लिया था और शंकराचार्य की बात नहीं मानी थी।